अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों क्या आप जानते हैं आर्मी फ्लैट यानी सीधे पैरों वाले जवानों को भर्ती क्यों नहीं करती, या फिर क्या आपने ऐसे दरख्त के बारे में सुना है जिस पर 40 तरह के अलग अलग फल लगते हैं, या फिर आप ये तो जानते ही होंगे कि संदूर कैसे बनता है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही दिलचस्प और अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर वन, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फौज में फ्लैट पैरों वाले जवानों को भर्ती क्यों नहीं किया जाता? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तब जमीन से हमारे पैरों पर कई सारे झटके पैदा होते हैं। अगर हमारे पैर फ्लैट या सीधे हों तो ये झटके पूरी तरह से टांगों में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये पैर की हड्डियों से होते हुए कमर तक भी पहुंच जाते हैं। इससे कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर पैर दरमियान से उठा हो तब इन झटकों को हमारी टांगें अब्सॉर्ब कर लेती हैं। हम सभी ये जानते हैं कि आर्मी और फौज के जवानों की ड्यूटी और ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। इनकी ट्रेनिंग में भागना, कूदना और चलना उनकी रूटीन का हिस्सा होता है। ऐसे में सीधे पैरों वाले इंसानों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। इसी वजह से आर्मी और फौज में ऐसे जवानों को भर्ती नहीं किया जाता जिनके पैर सीधे होते हैं। नंबर टू, दोस्तों आपने फल देने वाले कई दरख्त देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा दरख्त देखा है जिस पर आम के साथ साथ संतरे भी लगे हों? यकीनन नहीं देखा होगा। इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसे दरख्त के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर दो तरह के नहीं बल्कि 40 किस्म के अलग अलग फल लगते हैं। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा दरख्त अमेरिका में बनाया गया है। अमेरिका की सैराक्यूज यूनिवर्सिटी के विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर सैम वेन एकन ने इस अजीबोगरीब पौधे को बनाया है जिस पर 40 तरह के फ्रूट लगते हैं। ये दरख्त ट्री ऑफ 40 के नाम से भी जाना जाता है। इस दरख्त की कीमत 19 लाख रुपए लगाई गई है। इस दरख्त पर बेर, खुबानी, चेरी और ऐसे ही कई दूसरे फल उगते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि ऐसे दरख्त को कैसे तैयार किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ्टिंग टेक्निक के जरिए सर्दियों में दरख्त की एक टहनी काट कर अलग कर ली जाती है। फिर इस टहनी को एक दूसरे फल की टहनी में सुराख करके इसके साथ टेप के जरिए लगा दिया जाता है और पूरी सर्दियां ये टेप लगी रहती है, जिसके बाद ये टहनी उस दरख्त के साथ जुड़ जाती है और फिर इसको फल भी लगने शुरू हो जाते हैं। नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड कौन सा है? आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल या इंसानी खून दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड होगा, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड बिच्छू का जहर है। बैनुल अक्वामी मार्केट में इसकी कीमत 75 करोड़ रुपए फी लीटर होती है। बिच्छू के जहर की सिर्फ चंद बूंदे ही हजारों लोगों की जान ले सकती है, लेकिन इस खतरनाक जहर से कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं भी बनती हैं। एक बिच्छू से आमतौर पर 0.5 मिलीग्राम से भी कम जहर मिलता है। बिच्छू का जहर निकालने के लिए इसके डंग में बिजली के हल्के झटके दिए जाते हैं, जिससे जहर बाहर निकलने लगता है। इस प्रोसेस को मिल्किंग कहते हैं। एक बिच्छू के जहर में तकरीबन 5 लाख केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसे कॉकटेल ऑफ बायोलिक्विड कंपाउंड्स भी कहा जाता है। और बिच्छू के जहर की इन्हीं खूबियों की वजह से ये दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड है। नंबर फोर, हिंदू तहजीब में सिंदूर एक शादीशुदा औरत की पहचान है। ये हजारों सालों से हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंदूर कैसे बनता है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि असली सिंदूर को एक पौधे के बीज से बनाया जाता है जो कमेला की फली से निकलता है। 20 से 25 फीट लंबे इस दरख्त में ये मटर जैसी फली गुच्छों में लगती है, जिसमें सरसों के साइज के दाने होते हैं जो कि लाल रंग के कवर से ढके होते हैं। कुछ भी मिलाए बगैर इसे ही सिंदूर या कुमकुम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंदूर में कुदरती तौर पर पारा यानी मरकरी भी पाया जाता है। नंबर फाइव, आप में से कई लोग हवाई जहाज में सफर करते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हवाई जहाज करीब से भी देखा नहीं होगा। हवाई जहाज की टिकट कई हजार रुपए से लेकर कई लाख रुपए तक होती है, लेकिन इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो जहां चाहे जब चाहे बिल्कुल फ्री हवाई जहाज का सफर कर सकता है। जेट एयरवेज के एक प्लेन ने 17 जून 2017 को दमाम से कूची के लिए एक उड़ान भरी थी। दौरान प्रवास एक हामला खातून को दर्द शुरू हो गया।
जहाज की इंतजामिया ने मेडिकल इमरजेंसी की कॉल की और उस फ्लाइट को मुंबई की तरफ मोड़ दिया। जब जहाज अरेबियन सी के ऊपर से गुजर रहा था तब जहाज की इंतजामिया और केरल जाने वाली एक नर्स की मदद से उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसलिए जेट एयरवेज वालों ने बताया कि इतनी ऊंचे प्रवास के दौरान इंडिया में पहली बार किसी बच्चे का जन्म हुआ, इसीलिए ये बच्चा जिंदगी भर जेट एयरवेज की फ्लाइट्स में फ्री में सफर कर सकेगा और इसके लिए जेट एयरवेज ने इसके नाम एक फ्री लाइफ टाइम ट्रेवल कार्ड भी इशू किया। नंबर 6, इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जो 1947 में बरसगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान से भारत हिजरत करके आया था, लेकिन आज उसकी फैमिली पान बेचकर सालाना 100 करोड़ से ज्यादा कमाती है। इनकी दुकान में बने हुए पान के दीवानों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान समेत मुकेश अंबानी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। दरअसल 1947 में यश टिकवानी के दादा हिंदू होने की वजह से पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्होंने पहले रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया, कुछ साल पकौड़े भी बेचे और फिर उन्होंने फुटपाथ पर पान बेचना शुरू किया। फिर 1965 में यश टिकवानी के वालिद भगवान दास टिकवानी ने कैलाश में अपनी पान की दुकान शुरू की। उन्होंने अपने पान की क्वालिटी और पान में इस्तेमाल होने वाले सामान की क्वालिटी का खास तौर पर ख्याल रखा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पान की दुकान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अपनी धूम मचाने लगी। आज यश टिकवानी की 7 पान की दुकानें हैं, जिनमें से 2 थाईलैंड और 1 लंदन में है। यश टिकवानी अमेरिका में भी पान की दुकान शुरू करना चाह रहे हैं। एक छोटी सी दुकान से पान बेचकर अरबपति बनने की ये कहानी हमें इंस्पायर करती है और साबित करती है कि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी सिर्फ हमारी सोच होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुतालिक कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।